हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का लेना देना है तो वह है धर्म की धुरी अध्यात्म से लेना देना। बहिरंग का दिखावा, पाखंड, उसको सब कुछ मान करके जो बैठ जाते हैं लोग बाग, उनसे अलग अध्यात्म को जीवन में जो उतारते हैं वो फिर सबसे पहला धर्म मानते हैं राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। जब ऐसा मानते हैं तो फिर वो एक छोटे से दायरे तक सीमित नहीं रहते, फिर वो पूरे राष्ट्र की बात सोचते हैं, पूरे राष्ट्र के हित की बात सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वातावरण के बारे में सोचते हैं कि वातावरण कैसे सही होना चाहिए। इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इकोलॉजी है हमारी चारों तरफ की, इसके बारे में अवेयरनेस कितनी है हमारे मन में, ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। और उस अवस्था में सीखना चाहिए जिस अवस्था में मैंने अपने गुरु से मुलाकात की और मैंने सीखा। आप उसी उम्र से गुजर रहे हैं सब, आप सब लड़के लड़कियां जितने भी यहाँ बैठे हैं टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में से आप निकल के चले जाएंगे, पर आप यदि अपने बारे में नहीं जान पाए कि आप कौन हैं तो आप कुछ नहीं जान पाए। सबसे पहले अपने बारे में जानना, आत्मनम विद्धि उपनिषद कहता है, अपने बारे में जानो, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। आत्मनम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य। ज्ञातव्य ने अपने आप को जानने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो तुम कौन हो, कौन है हम, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत चिरंतन निरंतर कार्य करने वाली आत्मा हूँ जो परमात्मा का एक हिस्सा है, और परमात्मा का एक हिस्सा होने के नाते सतत मेरे अंदर प्रज्वलित परमात्मा की ज्योति के रूप में मेरे साथ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में घूमता फिरता दिखाई पड़ता है, वो मेरा ही एक अंश है। तो ये जब जिस दिन आप जान लेंगे कि आपके अंदर परमात्मा है तो फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को जानो, आत्मनम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य। सारी दुनिया को सुनते हो पर अपने आप को सुनने की कभी कोशिश की आपने, अपने आप को जानने की कोशिश की आप कौन हैं, को हम। सबसे पहला प्रश्न पूछा था किसी ने ऋषि के सामने, को हम, मैं कौन हूँ। तो बोले शिव हम, तुम कल्याणकारी वृत्ति के नायक हो, तुम शिव हो, तुम शिव कल्याणकारी वृत्ति को जन जन तक फैलाने वाले हो, शिवो हम। ये सारी सारी आंसर अंदर से आते हैं, निकल के हमारे अंदर से। मैं वो परम पिता परमात्मा की ज्योति हूँ, ज्योतिषम पित्य ज्योति तमसह परम उच्चते। ज्योतियों में भी परम ज्योति वो हमारे अंदर बैठी हुई है, निवास करती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।